नमस्कार दोस्तों, गोमिक साहब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ शार्क टैंक के एक एपिसोड को। शार्क टैंक, जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत ही फेमस सीरीज़ है जो कि अब इंडिया में भी कंसेप्ट आ गया है, जिसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जाते हैं शार्क्स के पास और उनसे अपनी आइडियाज़ के अगेंस्ट में उनसे पैसे लेते हैं और उन्हें अपनी कुछ इक्विटी दे देते हैं। तो उस वीडियो के ज़रिए जो एक मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो के ज़रिए आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले चलते हैं और वीडियो को देखते हैं। हेलो शाग, मैं जुगाड़ू कमलेश। सो स्वीट। हेलो सर, मैं जुगाड़ू कमलेश। हेलो मैम। हेलो, मैं जुगाड़ू कमलेश। हेलो, जुगाड़ू कमलेश। आपका नाम बहुत बढ़िया है, जुगाड़ू कमलेश। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। मॉलीवुड मतलब मालेगांव, और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है, देवरपाड़े बोल के। तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है। नरू इकड़े रे। नरू शाक, आप जो ये टंकी देख रहे, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें, जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है, क्या करता हो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताओ उसे। पूछो तो कुछ नहीं बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना। बड़ी बात ना, मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इनोवेशन। शख्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां है, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम, छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं, तो मैं चेंज कर देता था। आप जो ये डिजाइन देख रहे, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। और क्या होता ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयारी नहीं सर, तो खेती कैसे करे? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि एक माँ को बेच के कौन जी सका है, क्योंकि खेती हमारी माता है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधे खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे। कमलेश, आपका आस क्या है? 30 लाख के लिए 10% इक्विटी देने का तैयार हूँ सर। और उसमें क्या मिलेगा, मतलब आज की बिजनेस है कोई आपके पास? सर बहुत बड़ी, मतलब सर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। बहुत बड़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आपका, दिल से आया रिप्लाई। जुगाड़ू अच्छा नाम है आपका। चलो बिजनेस की बात करते हैं, कितना कमा रहे हो? सर मैंने आज तक एक भी नहीं बेचा सर। अच्छा, क्योंकि मुझे फंडिंग नहीं थी सर, मुझे मैं यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ ये मुझे बता। कॉस्ट क्या है बनाने का? अब कॉस्ट सर मैं इसे 8,000 में एक बनाता हूँ। आपको लगता है 8,000 ना? हाँ, कि आप बेचेंगे 8,000? नहीं नहीं, बेचेंगे 12,000 तक। और ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है, उसकी कीमत भी इससे ज्यादा है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो इसे मैं इलेक्ट्रिक भी बना सकता हूँ सर। अगर ये इलेक्ट्रिक बन गए ना सर,
तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम धमाका मचा देंगे। अगर इसमें हम बैटरी इलेक्ट्रिक लगा देंगे ना, तो हम सीड ड्रॉपिंग भी करेंगे। जो पेरने बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेरने के लिए बेल लगते हैं। और बेल की कीमत क्या है सर? दो बेल की 50,000। अगर किसान को 50,000 लेके पेरनी करनी होगी, तो उसको 12,000 में उसका काम हो रहा है, तो वो किसान जरूर लेगा ना मैम। और उसको एक ही चीज में तीन काम मिल रही। कमलेश, मैं दो बात करूं आपकी हेल्प ट्राई करता हूं करने की। हम जब बैठते हैं, देखते हैं यहाँ वहाँ, तो हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारे देश के बारे में कि इंडिया में ये गलत है, भारत में ये गलत है। आपको देखकर एक बार फिर से विश्वास जाग गया कि जो 2020 से 2030 की सदी है ना, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की है। जैसे इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स छा गए दुनिया में, वैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की सदी। और खाली बिग टाउन की नहीं है, या आप जैसे किसानों की भी सदी है। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा विश्वास पैदा हुआ। थैंक यू सर। लेकिन जिस स्टेज पे आप है ना, ये आविष्कार के लिए आपको फंडिंग मिलना मुश्किल है, क्योंकि आज तक आपने एक भी नहीं बेचा। लेकिन निराश नहीं हुई, क्योंकि ये स्पेस में, एग्रीकल्चर में, इस टाइप के आविष्कार के लिए ग्रांट्स बहुत मिलते हैं, तो मैं आपकी जरूर उसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा समझता नहीं हूँ, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आउट होना चाहूंगा। लेकिन आपने बहुत प्रेरणा दी आज, बड़ा मजा आया मुझे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो आपका विजन क्या है, अभी करना क्या चाहते हैं सर? मुझे खाली किसानों तक, खाली यही किसानों तक पहुंचाना है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा की क्या हालत है, और ऐसे बाकी बहुत सारे किसान है सर, कि उनकी बहुत हालत बुरी सर। ये अगर किसानों तक पहुंच गया तो सर मैं हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, मेरे पास हर चीज के लिए कोई ना कोई जुगाड़ है। मतलब हर खेती, ग्रास कटिंग के लिए ये जो दिख रहे हैं ना मक्का, इसे काटने के लिए भी मैं जुगाड़ बना सकता हूँ सर। सब चीज पे मैं कुछ ना कुछ बनाना चाहता हूँ, और मेरा काम चालू ही सर। ऐसे नहीं एक प्रोडक्ट बना दिया और मैं, मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं सर। सो जुगाड़ू कमलेश, मैं आपको एक तो पहली बात बोलूंगी, आप इसमें जुगाड़ू सुपरस्टार कमलेश डाल दीजिए। आप बहुत पैशन से बात करते हैं, और मतलब किसानों की वकालत आपकी जितना अच्छे से कोई नहीं कर सकता। मतलब हम सबको पर्सपेक्टिव ही नहीं था जो आपसे मिला है। तो मुझे तो लगता है कि आपको 30 लाख बहुत आसानी से क्राउड फंडिंग जैसी वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे आप अपना वीडियो लगा सकते हैं और वहाँ लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉज भी है। तो वहाँ इंडिविजुअल लोग, जो 65 लाख लोग हैं, वो हर इंसान लाइक 50 पैसे डाले तो भी आपका जो मतलब जो गोल है वो मीट हो सकता है। तो मैं अभी इससे बाहर हूँ, पर बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत वेरी इम्प्रेस्ड आप जो काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। कमलेश जी, आप जो कर रहे हैं ना, वो काम तो बहुत बढ़िया है। एक किसान की जो बात है वो एक किसान ही समझ सकता है, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो सल्यूशन हो। लेकिन सिर्फ डिजाइन है, प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे आपको अगर 30 लाख दे भी देती हूँ, तो मैं कोई वैल्यू आप एड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक बार ही आप कुछ यूनिट्स बनाएंगे, वो पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर बाकी कितने किसान है इंडिया में, है ना? वो स्केल पे करने वाला बिजनेस है। आज के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूं। तो कमलेश, तुला भेटून खूपच चांगलं वाटलं मला। थैंक यू मैम। और जुगाड़ू कमलेश के बदले शाहना कमलेश ऐसे लिख दो तुम। तो मेरा भी ये मानना है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज और क्राउड फंडिंग में हम आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, उसके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट कमलेश। थैंक यू मैम। कितने बेचोगे, कितने बेच लोगे ये? सर मैं दिन रात करके बहुत बेच सकता हूँ सर। एक साल में कितने बेचोगे? एक साल में सर, अभी तो मेरे 1,000-2,000 कस्टमर है। 1,000-2,000 कैसे है भाई? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने जो वीडियो वायरल हुए उसमें से मुझे कमेंट आई है, और किसी कॉल भी आए, वो कॉल मैंने सेव करके रखे। जब भी ये प्रोडक्शन होगा तब वो बोले कि हमें दे देना, उन्हें दे सकता हूँ सर। बट एक बार स्टार्ट हो गया ना सर, मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा, नहीं रुकूंगा। तो ऑफर देता हूँ आपको, चलो। यार ऐसे आप आए हो शार्क टैंक में, कितना पैसा चाहिएगा आपको इसको, प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में उतारने के लिए? सर जो भी आप दोगे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे खाली लॉन्च करना है सर। कितना पैसा चलेगा लॉन्च करने में? 20-1 लाख चलेगा सर। इतना पैसा क्यों लगेगा सर? शुरू में मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी। ऐड को भूल जाओ यार, बनाने का बात करो, ऐड की बात मत करो। बनाने का 10 लाख में हो जाएगा सर। 10 लाख में काम हो जाएगा, राइट? मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? और कोई पार्टनर वगैरह है आपका अभी?
नहीं पार्टनर तो नहीं सर, बट वो नरू है ना, वो साथ में रहेगा। अच्छा। उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे नहीं छोड़ोगे? कितना नहीं, उसके लिए कितना परसेंटेज रखा है आपने? मतलब जॉब भी रहेगा सर, इक्विटी भी थोड़ी बहुत रहेगी उसको, क्योंकि वो 24 घंटे काम करेगा। इस विषय में आपने सोचा नहीं, राइट? हाँ, बट वो साथ में रहेगा सर। वो साथ में रहेगा। लोन लेने की कोशिश की आपने पहले कभी? नहीं सर। आपने कोशिश ही नहीं करी? आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा, 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, ठीक है? मैं आपकी 40% इक्विटी लूंगा, 40%, ठीक है? और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। जैसे जैसे बाइक बिकेगा ना, उसमें जो मुनाफा होगा, आप उससे वो लोन मेरे को वापस कर देना, ठीक है? जब कंपनी के पास पैसा होगा। वो फ्लेक्सिबल हूं मैं, जैसे आपका बाइक बिका, एक बाइक बिका, 4,000 रुपए बचा, आप 1,000 रुपए मुझे वापस कर देना, ऐसे कर करके आपका 20 लाख रुपए आप मेरे को लोन वापस कर देना, और 10 लाख रुपए जो मैंने दिया आपको वो आप मेरे को 40% इक्विटी दे दो, 10% हमने नरू के लिए रख दिया, 50% आपका। ठीक है सर। क्या लग रहा है भाई, हाँ की ना? हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। हाँ सर। हाँ सर, कांग्रेचुलेशन। और आपके साथ में काम करूंगा तो सर, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दूंगा। अरे नरू को निकाल भाई, नरू, ए नरू इतने, ए नरू, नरू कहाँ गया? नरू ऑलरेडी पार्टी मना रहा है। अरे बाबा, अरे नरू कांग्रेचुलेशन, आप इनका बहुत बड़ा सहारा हो यार। वो एक पिक्चर आई थी दीवार, उसमें कहते मेरे पास माँ है, ये कहते मेरे पास नरू है। आप इतना बड़ा सहारा हो। आप जो है ना, आप भारत की उम्मीद हो, ठीक है? तो आपको सपोर्ट किसी ने नहीं किया, पर मैं करूंगा। अमेजिंग, वेल डन। ठीक है, मैं आपको, आपको भी 10% मिल गया आज। अरे भाई ये सब मत करो यार, प्लीज। आप आपने भी क्या कहा, मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, तो ये सब मत करो। आपके लिए भी मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी मतलब। आप यहाँ तक आयो ना, कैसे पहुँचा मुझे ही मालूम। तो पैर वैर मत छुओ, ये आप रखो। बढ़िया डील है, बहुत बढ़िया डील है, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त। मस्त लग रहा है ना? बहुत आनंद आ रहा है। खूब आनंद डाला। नहीं बहुत, लाइक क्या हो तुम यार। नरू, अरे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और तुम्हारी भी, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी है। कांग्रेचुलेशन भाई कमलेश। कभी मालेगांव में आना हुआ तो पूछ लेना जुगाड़ू कमलेश का घर का है। आपको छोड़ देंगे सर, सबको छोड़ देंगे मेरे घर तक। बाय। तो दोस्तों, पूरी वीडियो हमने देख ली है, और जो वीडियो दिखाने का पर्पस था वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जो जुगाड़ू कमलेश की जो कहानी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसने टच किया, और मैं चाहता था कि कोई ना कोई शार्क ना उसको, मतलब उसका जो अमाउंट दे दे, क्योंकि ना उसको पैसे से इतना मतलब नहीं था, वो बस चाहता था कि उसने जो इन्वेंट किया है वो किसानों तक पहुँच जाए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और मैं बाकी शार्क्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो रीज़न थे वो वैलिड थे। उसका कुछ प्रॉफिटेबल, उसके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है, जिस ना उसके पास कुछ सेल्स है, ना उसने कुछ दिखाया जिसके बलबूते पे शार्क्स उसको पैसे देते। हालांकि उन्होंने उनको बोला कि वो क्राउड फंडिंग जैसी वेबसाइट पे जाके अपनी वीडियो पोस्ट करके वहाँ पे उसकी हेल्प कर सकते हैं, और वहाँ पे वो खुद जाके अपनी वीडियो पोस्ट कर सकता है। लेकिन इस एपिसोड के बाद जब पीयूष बंसल ने उनको ऑफ़र किया अमाउंट, तो वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं सच में चाहता था कि इसको फंडिंग मिले जुगाड़ू कमलेश को। और क्योंकि हम यार अपनी डेली लाइफ में हम ट्राई करते रहते हैं कि यार हाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये नया प्रॉब्लम चल रहा है, करप्शन चल रहा है, किसान मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, लेकिन ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं देना चाहता। मतलब हाँ हम बात करना चाहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की जब भी बात आती है तो कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, कोई भी पैसे नहीं खर्चना चाहता, कोई भी कॉज के लिए ना आगे नहीं जाना चाहता, और जो कोशिश कर रहा है उसको सपोर्ट करना वो भी नहीं चाहते यार लोग। तो इसके लिए जो मतलब पीयूष जी ने जो मतलब इनको सपोर्ट किया और बोला कि किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया लेकिन मैं दूंगा, तो उस सपोर्ट के लिए मेरी जो रिस्पेक्ट है उनके लिए बढ़ गई है, और मैं भी ज़रूर अब लेंस खरीदूंगा उनके वहाँ से। हालांकि मैंने चश्मा नहीं लग रखा है मेरे को, पर
जोक्स अपार्ट, लेकिन ये जो इनिशिएटिव था बहुत ही अच्छा था, और हम भी अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से ऐसे कॉजेस को सपोर्ट कर सकते हैं और उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी और टर्म में कहीं ना कहीं जाके अपनी वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं, और आप कोशिश कीजिए जैसे जुगाड़ू कमलेश ने की, जुगाड़ से चीज़ें बनाई जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी किसानों की बहुत हेल्प करे। और हम भी अपने एंड से, आप भी मैं भी, कोशिश करते रहेंगे कि जो कॉज है उसके लिए हम ट्राई करते रहें कुछ ना कुछ अपने एंड से, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो उस कॉज के लिए लड़ रहा है तो उसे हम एटलीस्ट सपोर्ट तो कर ही सकते हैं।